नमस्कार प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 23, साइंस क्लास 9 की वर्कशीट है इंग्लिश मीडियम में। टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, गॉल्जी एपरेटस और लाइसोसोम्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे इस वर्कशीट में कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, गॉल्जी एपरेटस क्या होते हैं। तो देखिये, जो क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ डज गॉल्जी एपरेटस लुक लाइक, वो कैसे दिखते हैं और उसका क्या काम है। तो गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी एपरेटस बोलते हैं, दो कुछ भी एक नाम बोल सकते हैं। ये सेल का ही ऑर्गेनल है जिसमें नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का और मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे से, इन स्टेक्स टू कॉल्ड सिस्टम्स, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं। देखिए आप ध्यान से, ये दिखा रखा है इस तरह से, जिसको सिस्टम भी बोलते हैं स्टेक के रूप में। तो दीज में कनेक्ट टू ईआर, ये ईआर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होते हैं और जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है ना ईआर के पास, वो सारा मटेरियल गॉल्जी के पास भेजा जाता है, गॉल्जी बॉडी के पास, जैसे कि प्रोटीन लिपिड ये सब मटेरियल गॉल्जी के पास भेजते हैं जहां पे ये मटेरियल स्टोर होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, पैकेज्ड होते हैं, डिस्पैच किए जाते हैं इन या आउट ऑफ द सेल। और ये कौन करता है, गॉल्जी एपरेटस करता है जैसी सेल की जरूरत होगी। तो अगर पूछे कि इसका फंक्शन क्या है, तो यही इसका फंक्शन हो सकता है। नाउ हाउ डज अ सेल कीप इटसेल्फ क्लीन, सेल अपने आप को कैसे साफ करता है, जैसे हम अपनी बॉडी को करते हैं वैसे सेल भी अपने आप को क्लीन करता है, कैसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम अदर वर्क्स, गॉल्जी के बाकी काम तो थे ही ऊपर, इसका एक ये भी काम है कि जिसको बोलते हैं, इसके अंदर ना एक सेल, इसके अंदर एक ऑर्गेनल होता है लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, बहुत ही पावरफुल होते हैं जो कि आर ई आर से बने होते हैं और एंड पैक्ड इनटू लाइसोसोम्स बाय गॉल्जी एपरेटस। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम जो लाइसोसोम्स हैं, ये ब्रेक या डाइजेस्ट कर लेते हैं जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जो भी हटाना है, जैसे बोलते हैं कूड़ा कचरा साफ करना, तो वो ये सफाई का काम कर देते हैं। तो लाइसोसोम्स जो है वेस्ट डिस्पोजल है, यानी क्योंकि वेस्ट मटेरियल को उठा के लेके जाते हैं, हटा देते हैं। दे डाइजेस्ट एनी फॉरन, कोई भी ऐसा मटेरियल होगा ना वेस्ट, फॉरन मटेरियल होता है वेस्ट, या वॉर्न आउट सेल हो गए, सेल टूट फूट गए हैं, तो उन सबको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं और सेल को क्लीन रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि डिस्टरबेंस आ जाती है हमारी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, हमारी मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस आ गई सेल के मेटाबॉलिज्म में, तो सेल क्या होता है डैमेज हो जाते हैं, तो लाइसोसोम्स क्या होंगे, फट जाएंगे उस सिचुएशन में और वो अपने ही सेल को खाना शुरू कर देंगे, डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, इसीलिए इनको सुसाइड बैच भी कहते हैं, पूरी सुसाइड कर लेना। अब ये देखिए, गॉल्जी एपरेटस के बारे में बताया गया, स्टोरेज और मॉडिफिकेशन और पैकिंग करता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है और लाइसोसोम्स को बनाता है, ये इसके फंक्शन है, अगर पूछते हैं तो ये है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, सेल को क्लीन करते हैं, इनका एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इनके अंदर और ये सुसाइड बैग भी कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक का आंसर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉल्जी एपरेटस, गॉल्जी एपरेटस की क्या इंपॉर्टेंस है, हम बताएंगे कि ये जो मटेरियल है ये सिंथेसाइज होता है ईआर के आसपास और जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होगा वो गॉल्जी के पास भेजेंगे, वहां से जैसे कि प्रोटीन लिपिड और इनको स्टोरेज मॉडिफिकेशन पैकेजिंग और डिस्पैच, ये सारा काम कौन करता है, गॉल्जी करता है, ठीक है, सेल की जरूरत के हिसाब से। क्वेश्चन टू, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है, तो यह गॉल्जी एपरेटस भी नाम है, तो हम बताएंगे कि ये नेटवर्क बना होता है, देखा ना, दैट कंजिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल जो कि पैरेलली एक दूसरे से अटैच होते हैं और जिसको बोलते हैं सिस्टर्न, ठीक है। तो ये ऊपर लिखा हुआ है। नाउ व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग, सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, वजह यही है कि कई बार डिस्टर्बेंस आ जाती है सेल के मेटाबॉलिज्म में, तो सेल जो है डैमेज होने लग जाते हैं, तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं और वो खुद के सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए उनको सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्वेश्चन फोर, वेयर इज द एंजाइम प्रेजेंट, लाइसोसोम जो है प्रेजेंट कह रहे हैं, वेयर इज द एंजाइम, वेयर है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ, वो जो लाइसोसोम में एंजाइम होता है वो कहाँ प्रिपेयर होता है, तो वो होता है आर ई आर, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो प्रिपेयर होता है। अब आप बताइएगा कि जो ये आर ई आर वर्ड आया है इसकी फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, फिर